तो इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलरली अगर हम फ्री लांसिंग मार्केट को जब हम जहन में रखते हैं, क्योंकि इस कोर्स का जो ओवरऑल पर्पज़ है, वन ऑफ द मेन पर्पज़ तो हमारा फ्री लांसिंग के अंदर ट्रेन करना है यूथ को। और डेफिनेटली एक और पर्पज़ ये भी है कि आप इस कोर्स के साथ एज अ ड्राफ्ट्समैन भी वर्क कर सकते हैं विद सम कंसल्टेंसीज या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। तो अक्सर फ्री लांसिंग मार्केट में अगर आप जाएँ, जो हमारी मेन साइट्स हैं, जो डिजी स्किल की वेबसाइट पे गिवन भी हैं, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं अपवर्क की, या आप बात कर रहे हैं फ्री लांस की, और आप बात कर रहे हैं फाइवर की, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें क्लाइंट क्या कह रहा होता है कि मेरे पास मेरी ड्राइंग की PDF फाइल या इमेज मौजूद है, मैं और चाहता क्या है या चाहती वो क्या है, वो आपसे ये चाह रही हैं या चाह रहे हैं कि आप इस PDF या इमेज को ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट करके दें। सारी मेजरमेंट्स गिवन होंगी, फाइल मौजूद होगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने उसकी ड्राइंग फाइल को, उस PDF फाइल को या उसके इमेज को, हो सकता है उसके पास उसने एक पिक्चर ली हो मोबाइल से, वो मौजूद हो, या उसके पास एक PDF जो हमारा वर्जन है जिसमें हम वर्क करते रहते हैं, आप यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्जन, उसकी फ़ाइल मौजूद है और आपसे डिमांड हो रही है आप इसको कन्वर्ट करके दें इन AutoCAD, इन CAD फाइल, यानी इन ड्राइंग फाइल। तो इसके काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं। इस लेक्चर के अगर आप जब इस लेक्चर के सामने देखें इसके मटेरियल्स के अंदर, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स 5-4 आपको कुछ नज़र आएंगे। मैंने उनको कॉपी करवा के रखवा भी दिया है ताकि आपके लिए एक रेफरेंस रह जाए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो क्या आपसे कह रहे होंगे कि मेरा जो आर्किटेक्ट है या मेरा जो भी वर्क कर रहा था उस ड्राइंग के ऊपर, वो अचानक काम छोड़ के चला गया है, तो मेरे पास उस काम की PDF फाइल मौजूद है या मेरे पास उस काम की एक पिक्चर मौजूद है, और व्हाट ही इज़ डिमांडिंग, व्हाट ही और शी इज़ डिमांडिंग कि अब मुझे इस PDF फाइल की ड्राइंग फाइल बना के दें ताकि मैं इसके ऊपर फर्दर वर्क कर सकूं। या ऐसा भी हो सकता है कि उसका घर बने बहुत सारा अरसा हो गया है, वो ड्राइंग फाइल्स कहीं मिसप्लेस हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, एक पिक्चर उसके पास पड़ी है, अब उसने कुछ चेंजेस करवानी है। तो अथॉरिटी कहती है बिफोर मेकिंग एनी सर्टेन चेंजेस, आप अपना प्लान लेकर आए, जो आप अपनी ड्राइंग फाइल लेकर आए, तो उस ड्राइंग फाइल को लाने के लिए भी। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। और फ्रीलांसिंग, अगेन मैं कह रहा हूँ, मार्केट में AutoCAD के प्रोजेक्ट का एक काफ़ी अच्छा खासा शेयर जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स का होता है। अक्सर आप अपवर्क पे जाएँ, आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा PDF फाइल मौजूद है और बहुत सिंपलेस्ट बाज़ूकात प्रोजेक्ट्स आए होते हैं, बड़ी सीधी सीधी लाइंस हैं, आर्थो ऑन किया हुआ है, डायमेंशंस आर देयर। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कन्वर्ट दैट PDF और दैट पिक्चर और इमेज इनटू ड्राइंग फाइल। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्विकली ये कन्वर्जन करके देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट आए तो हमारे पास कितने तरीक़ाकार, कितने मेथड्स हैं जिन मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस PDF या इमेज को इनटू अ ड्राइंग फाइल इन AutoCAD। सो बढ़ते हैं CAD की तरफ ताकि हम फॉर्मली इसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखें। सो ये हमारे पास हमारा कोई भी जो है वो ड्राइंग फाइल 1 के नाम से आप इसको सेव कर लेंगे। ऑलरेडी हमने मेथड देख ली हैं। सो हम डायरेक्टली इंसर्ट में जाते हैं। हमने ऑलरेडी इसको स्टार्ट वाले लेक्चर्स में अगर आप रेफर बैक करें तो हमने वहाँ पे भी इसको देखा था। सो हम PDF को फाइल को, कोई भी PDF फाइल, ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मौजूद है, एंड दैट इज़ PDF to DWJ, यानी ड्राइंग, ये नाम भी मैंने ऐसे ही रख दिया है, और ये PDF फाइल का सिंबल है। ऑल यू नीड टू डू इज़, हमने ऑलरेडी किया था, आप ओपन करेंगे, ओपन के बाद वो आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एज इट इज़ हम उसको ओपन करते हैं, ओके, और जहाँ पर आप प्लेस करना चाह रहे हैं आप क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करें तो Z एंटर और A एंटर आप करेंगे तो आपकी ड्राइंग फाइल जो है वो आपके सामने होगी। ये है जी हमारी PDF फाइल। अब ज़रूरी नहीं PDF फाइल हो, इसी के साथ हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है रास्टर इमेज, यानी कोई पिक्चर भी हो सकती है। सो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो ये मेरे पास इमेज की ऑप्शन भी मौजूद है, इसको भी आप एज इट इज़ अगेन सेम ओपन करेंगे, ओके करेंगे, और कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये आप साइज़ बढ़ा या ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो ये आपके पास, ये हमारे पास इस टाइम एक इमेज है और ये PDF फाइल है, दोनों एक ही जो है वो ड्राइंग की हैं। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। दोनों में हम सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, दोनों यानी एक ही तरह की चीज़ें होंगी। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब लेयर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको लेयर में रख सकते हैं, एक सेपरेट लेयर बना के, ताकि आपके लिए आसानी हो बाद में आप उस लेयर को ऑफ करें तो ये इमेज ऑफ हो जाए। सो मैं अभी उधर नहीं जाना चाह रहा, ये खुद से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी ऑप्शन मौजूद हो कि एक फ़ाइल है पीडीएफ की और हमने कन्वर्ट करा इनटू ड्राइंग, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या मेथड्स मौजूद हैं। सो मेथड नंबर 1 हमने ऑलरेडी किया है स्केल रेफरेंस, तो हम ऐसा करते हैं कि हम स्केल रेफरेंस करके कोई एक लाइन जो है उसकी लेंथ को मेजर करके उसको हम इक्वल कर लेते हैं। अगर जब वो एक लाइन की लेंथ हमारी बराबर हो जाएगी तो फिर हमारी ड्राइंग खुद ब खुद बाकी लाइंस की लेंथ इक्वल हो सकती है, या अगेन स्केल रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र भी आएंगे। तो ये हमारे पास इस टाइम सपोज ये देख लें, अगर आप नोट करें तो ये 9 इंचेस एक लेंथ लिखी हुई है और अभी हम खुद से मेजर करके देखते हैं क्योंकि 9 इंचेस ये तो उस ड्राइंग में है। तो लेट्स सी ये हमारी ड्राइंग के अंदर ये लेंथ कितनी है। सो मैं क्विकली जो है यूनिट्स को इंश्योर कर लेता हूँ, आर्किटेक्चरल हम यहाँ से कर लेते हैं और प्रिसिजन यही आने दें, कोई इशू नहीं है, और डी करके हम ये भी इंश्योर कर लेते हैं ताकि हमारे यूनिट्स जो है वो सेम हो। और यहाँ से हम टेक्स्ट की हाइट को थोड़ा सा जो है स्लाइटली, ये 13 है तो इसको हम 20 फ़िलहाल या 40 कर लेते हैं इंचेस। ओके, अब हम मेजर करते हैं और कि ये 9 इंचेस अभी ड्राइंग में ये 9 इंचेस हैं। सो लेट्स सी कि ये हमारी जो लेंथ है जो हमने अभी मेजर करनी है उसमें ये कितने हैं। सो हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं DLI डायमेंशन लीनियर, ये हम सेंटर पॉइंट पिक करते हैं इसका और ये हम इसका सेंटर पॉइंट पिक करते हैं और ये हम लेंथ रखते हैं। तो दैट लेंथ इज़ 7 फीट एंड कुछ भी उसका आ रहा है। अब इस टाइम ये लेंथ है कि हमने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट फाइल को एंटर करके हमने ये लेंथ मेजर की है। ड्राइंग में हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो है 7 फीट और कुछ इंचेस हैं, बट जो हमारी एक्चुअल लेंथ है दैट इज़ 9 इंचेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्केल रेफरेंस की, ऑलरेडी हम ये कमांड सीख चुके हैं। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के ये सिंबल आपने, ये सिलेक्शन सिंबल लाजमी देखना है। इसको कॉपी करने के बाद ये अगेन कॉपी इंश्योर कर लेते हैं हम SC एंटर करेंगे स्केल। स्केल में जैसे एंटर करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब हम पूरी ड्राइंग पे ये स्केल अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं। एंटर करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कोई भी पॉइंट आप दे दें, बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट देने के बाद ये हमने ऑलरेडी स्केल में कमांड में देखा है कि ऑप्शंस आ रहे हैं कि अब कॉपी और रेफरेंस, तो क्योंकि हमारे पास अब एक रेफरेंस लेंथ मौजूद है हम रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं रेफरेंस लेंथ कितनी है जो हमने मेजर की है, तो हमने क्योंकि कॉपी की हुई है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और पेस्ट की वो ऑप्शन मौजूद होगी। ये जैसे मैंने पेस्ट की, आप डायरेक्टली देख के भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको किया पेस्ट और एंटर करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि न्यू लेंथ कितनी है, यानी हमने जो मेजर की है वो लेंथ कितनी है। वो हमने बता दी कि 7 फीट जितने भी इंचेस थी, या आप पेस्ट कर दें या आप खुद से टाइप कर दें। अब न्यू लेंथ हमें पता है कि दैट इज़ 9 इंचेस, तो अब हम यहाँ पे न्यू लेंथ लिख देते हैं कि जो ड्राइंग में है वो इतनी है। अब 9 इंचेस आप ना भी लिखें तो अब हमने बताया था कि जब आप सिंबल के बगैर कुछ भी लिख रहे होते हैं तो कैड उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंच कंसीडर करता है। हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ड्राइंग थोड़ी सी छोटी हुई है। छोटी क्यों हुई है? क्योंकि स्केल कम हुआ है, 7 फीट एंड समथिंग से 9 इंचेस पे गए हैं। अब हम वापस जाते हैं और मेजर करते हैं कि क्या उसने इसको वाकई 9 इंचेस कर दिया। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत हमने क्विकली किया है, पॉइंट्स में कोई डिफरेंस भी हो सकता है, बट लेट्स वेरीफाई दिस कि इसने इसको, तो ये 9 and 1 and by 4 समथिंग के साथ जो है ना इसको कर दिया। क्योंकि 1/4 क्यों आ रहा है, हमने एक्चुअली जो है खुद से क्विकली इसको 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो थोड़ा बहुत मार्जिन डेफिनेटली इसके अंदर आ सकता है। बट अगर आप इसको कंसाइजली और प्रिसाइजली मैनर में करेंगे तो ये डिफरेंस भी माइन्यूट होके। सो अब हमारे पास क्या हो चुका है कि जो हमारे पास PDF इमेज के ऊपर लेंथ्स मौजूद हैं वही मोर और लेस लेंथ हमारी अब ड्राइंग की भी आ रही है। अब अगर हम इसी फाइल के ऊपर क्विकली लाइंस लगाना स्टार्ट कर दें, अगर हम थोड़ा सा 1/4 को एडजस्ट करें और अगर हम अपनी लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे तो ईजिली हमारी लाइन भी उतनी ही लगेंगी। से अब मैंने इसी को कन्वर्ट करना है तो हम लाइन स्टार्ट कर देते हैं, ये वाली लाइन है, हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो हमारा अगर स्केल सेम होगा तो हमारी लाइन की लेंथ भी उतनी ही आ रही होगी। लेट्स अगेन मेजर दिस लाइन। सो हम DLI कमांड लगा के, और हो सकता है देयर माइट बी माइन्यूट डिफरेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ भी रहा है, तो लेट्स वेरीफाई दिस। जो भी हमने लाइन लगाई है वो हमारी ये मौजूद है, इसको हम अगर नीचे लेके आएँ तो दिस इज़ एक्चुअली आर लाइन, क्योंकि वो इंटरनल पॉइंट से होगा। ये जो हमारी मेजर आ रही है 32 फीट एंड 6 इंचेस। सो हम अगर इसको यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, जब ये 1/4 का डिफरेंस हम एंड कर देंगे तो ये हमारी उतनी होगी। दिस इज वन मेथड। सेकंड इसका मेथड जो है जो बहुत आसान तरीका कार है अक्सर ड्राइंग में। अब क्योंकि ये बहुत ही ईजी इसी तरह के इमेजेस आए होते हैं जिसमें आप अगर नोट करें तो ज़्यादातर जो है वो ऑर्थो ऑन है और उसके साथ वर्क हो रहा है, तो क्या करेंगे आप आसानी के साथ यहाँ पे हम एज इट इज रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ऑर्थो ऑन करते हैं और हम इसको फर्स्ट लाइन है 32 फीट एंड 6 इंचेस, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप नोट करें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम देख लेते हैं कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है, या अगर हम चाहें तो हम 1/1 इसको अब मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी जो है वो लेंथ्स ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास मेथड है कि या तो हम इसी का स्केल एडजस्ट कर लें, और स्केल इस तरह एडजस्ट करें कि हमें ज़रूरत है सिर्फ एक स्केल एडजस्ट करने की, बिल्कुल माइन्यूटली एंड प्रिसाइजली यहाँ पे जाकर। चलिए एक और मेथड क्विकली मैं आपको जस्ट बता देता हूँ आपके, ताकि जहन में हो। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं और पॉइंट स्टाइल थोड़ा सा बदल लेते हैं। ओके, पी ओ पॉइंट, एक पॉइंट हम इसके सेंटर में लगाते हैं और अगेन पी ओ और एक पॉइंट हम इसके सेंटर में। अब हम अगेन वही सेम मेथड में ये ड्राइंग लाने के बाद हमने क्विकली पॉइंट्स लगाए। अब हम DLI कमांड से ये लाइन मेजर करते हैं ताकि सेंटर पॉइंट इंश्योर हो जाए हमारे और ये वाला डिफरेंस भी। तो अगर हम इस तरह करेंगे और अब जो लेंथ भी हमारी आ रही होगी, इसके बाद हम इसको रेफरेंस लेंथ बना के इसको 9 करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक मेथड। दूसरा ये कि हम खुद से इसी ड्राइंग को सामने रीड्रॉ कर लें, रीस्केच कर लें। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम आगे जाके खुद बना भी रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब तीसरा मेथड जो हमारे पास मौजूद है वो मेथड ऑनलाइन मेथड है, क्योंकि आजकल गूगल ने काफ़ी हमारे मसले आसान किए हुए हैं। तो हमारे पास एक ऑनलाइन मेथड गूगल से भी मौजूद है। दो उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट अगेन बाज़ात ये वाला मेथड जो है ये वर्क करता है और आपके लिए आसानी होती है। वो मेथड क्या है, हम जाते हैं यहाँ से सिंपली, ये हमारे पास गूगल है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन की थी वेबसाइट। क्विकली आपने लिखना क्या है, सिंपली PDF टू ड्राइंग कन्वर्टर, क्योंकि हमारे पास PDF मौजूद है। यहाँ आप इमेज भी लिख सकते हैं अगर इमेज है, PDF टू ड्राइंग कन्वर्टर। ये आपके सामने ओपन होंगी वेबसाइट्स। ये जो हमारे पास कैड सॉफ्ट टूल्स, आप किसी भी साइट पे जा सकते हैं। ये मुझे कुछ बेहतर लगी थी PDF टू ड्राइंग, ये जो कैड सॉफ्ट टूल्स हैं। क्या लिखा है ये आप सामने आपके स्क्रीन पे मौजूद है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं ये आप नोट करें, PDF टू ड्राइंग। सबसे पहले वो आपको कह रहा है चूज़ फाइल, जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है आप उसको, ये PDF टू ड्राइंग ये फाइल है। अब वो आपको पूछ रहा है कि ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे जो भी आपके पास ये मेरे पास कोई भी ईमेल आईडी मौजूद है, आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे यहाँ पे। कीप इन माइंड यू नीड टू राइट योर ओन ईमेल आईडी, क्योंकि ये जो भी आप फाइल अभी कन्वर्ट करेगा ये आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेजेगा और वहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। हमने अपनी ईमेल लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे हम ईमेल, ठीक है, कन्वर्टेड फाइल। और यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस आप देख लें। लिमिटेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB आपकी फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा। और एक दिन में आप 2 फाइल्स कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्स्ट 2 पेज, अगर आपकी ड्राइंग के सर्टेन पेजेस हैं तो वो सिर्फ पहले 2 पेजेस को कन्वर्ट करेगा। और दोबारा हम इसमें उसने अगर फाइल नहीं ली तो हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है, ये हमने ईमेल आईडी और कन्वर्ट, हमने यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक की है। थोड़ा सा प्रोसेस रन होगा एंड लेट्स सी कि हमें वो कौन सा मैसेज देता है। थैंक यू, द ड्राइंग फाइल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल। सो हम ईमेल चेक करते हैं, मैसेज हमें आ चुका है। सो ये मेरे पास कोई ईमेल ओपन है। आपने ये आपके पास जो है Gmail अगर अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, हमारे पास Gmail है, तो ये आप यहाँ पे मोर में आएँ और मोर में से ऑल यू नीड टू डू इज़ अपडेट्स में जाएँ। अपडेट्स में जाएंगे तो ये आपके पास जो है कैड सॉफ्ट टूल्स PDF टू, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और ये फाइल आ चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे आप। ये डाउनलोड लिंक्स हैं मौजूद, ड्राइंग का भी लिंक है और PDF का भी लिंक है। सो हम ड्राइंग के लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। हम फोल्डर में चले जाते हैं। ये आप देखें तो कन्वर्टेड फाइल drawing 1, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। ये हमने WinRAR इंस्टॉल किया हुआ है, आपने नहीं किया तो आपने इसको कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर बनेगा और अब हम इसके ओपन करते हैं। तो ये जैसे ही हमने यहाँ पे ये PDF टू DWG, ये हमारे पास आप नोट करें तो उसने जो है एक ड्राइंग फाइल हमारे ओपन कर दी है, उसने बना दी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये आपने खुद देखनी है। कुछ लाइंस को ये डिस्टॉर्टेड कर चुका होगा, बट अगेन अगर आप नोट करें तो हमने क्या किया, ये हमारे पास फोल्डर जो है वो ड्राइंग मौजूद है PDF टू ड्राइंग, तो उसने क्विकली खुद ब खुद कन्वर्ट कर दी है। अब आप यहाँ पे भी चाहें, अगर प्रॉब्लम है लेंस की, आप रेफरेंस स्केल करके एक लेंथ को रेफर कर लें और बाकी लेंथ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। और इसी लेंथ के ऊपर अगर कोई एरर्स इसके अंदर आ रहे हैं, अब इसने कुछ ब्रेक किया है लाइंस को, आप नोट करें अगर, तो थोड़ा सा ब्रेकेज होगा। अगेन अगर आप मिनट्स में कर रहे हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन, अब एक हमारे पास जो अक्सर प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर आपने ये फाइल यहाँ से सेव की है और किसी और सिस्टम में जाके ओपन कर रहे हैं, या ये वाली फाइल जिसमें हम वर्क कर रहे थे, ये फाइल आप वर्क कर रहे हैं और आपने किसी और सिस्टम में जाके ओपन की है, तो एक मैसेज आएगा कि आपका पाथ चेंज हो चुका है, क्योंकि आपके सिस्टम में ये फाइल मौजूद थी, उसमें नहीं है, तो ये फाइल वहाँ से ओपन नहीं कर सकते आप। इसको रिमूव करने के लिए, इस एरर को ख़त्म करने के लिए, इस लिमिटेशन को एंड करने के लिए लास्ट पॉइंट हम इसका करते हैं कि आपने ये आइकॉन के ऊपर जाना है और यहाँ से हम जाएंगे पब्लिश के अंदर, और पब्लिश से आके हम आएंगे ई ट्रांसमिट के अंदर। क्या किया हमने, आइकॉन, पब्लिश, ई ट्रांसमिट, यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, ओके करते हैं हम, और इस ड्राइंग फाइल को हम डेस्कटॉप पे से ड्राइंग 1 के नाम से सेव करते हैं। ये फाइल सेव हो गई होगी, ये हमें पूछ रहा है कि ये उसके अंदर ऑप्शंस हैं, यस, ओके करते हैं हम, और इसको हम अगेन, इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेव कर लिया। अब हम अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो एक कंप्रेस्ड फाइल हमारे पास मौजूद है, this 1 ड्राइंग 1 स्टैंडर्ड के नाम से। अब अगर आपने कहीं पे भी इस फाइल को लेकर जाना है किसी और सिस्टम में, तो आपने ये पूरी फाइल लेके जानी है। अगर ये आप पूरी कंप्रेस्ड फाइल लेके जाएंगे और आप वहाँ जाके आप ओपन करेंगे तो ये PDF फाइल एज इट इज़ इसके अंदर मौजूद होगी। आप वहाँ पे इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट 2 हम ये वाला कर लेंगे ऑप्शन, तो ये हमारे पास मौजूद है। इसमें हम क्लिक करते हैं ड्राइंग 1 में, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप नोट करें, तो इसके अंदर PDF फाइल मौजूद है। तो इस तरह अगर आप ये वाला ऑप्शन कर लेंगे और आप किसी सिस्टम के अंदर ये फाइल, तो आपकी PDF फाइल की जो है वो एक्सटेंशन और एज इट इज़ ये इमेज बरकरार रहेगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि क्विकली हम किस तरह PDF को ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, या इमेज को भी सेम मेथड में, और किस तरह हम अगर ये ई ट्रांसमिट के ऑप्शन से लेकर जाएँ तो हमारी PDF इमेज जो है वो एज इट इज़ हमारी ड्राइंग के अंदर रहेगी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो टॉपिक था, जिसमें हमने 3 कन्वर्जन के मेथड क्विकली देखे, रेफरेंस स्केल से, खुद से ड्रॉ करके, या ऑनलाइन हमारे पास कन्वर्जन के मेथड्स मौजूद थे, और फिर हमने क्विकली पब्लिश और ई ट्रांसमिट में जाके देखा कि अगर हम चाहें कि हमारी ये PDF फाइल जो इधर मौजूद है वो किसी और सिस्टम में जाके भी मौजूद हो, तो फिर हम उसकी कंप्रेस्ड फाइल बना लेते हैं और उस फाइल को हम साथ लेके जाएंगे, तो वो एज इट इज़ उस फाइल को भी उसके अंदर सेव करके रखेगा। सो आई होप कि ये हमारी फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमें असिस्ट करेगा।